दरों का। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। केंद्रीय विद्यालयों से कोटा राज खत्म, पीएम मोदी की पहल पर लिया गया बड़ा फैसला। प्रवेश से जुड़ी गई है गाइडलाइंस जारी। तंजावुर हादसे में जान गंवाने वालों को तमिलनाडु विधानसभा ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री स्टालिन और विधायकों ने रखी 2 मिनट का मौन। यमन में हाउती विद्रोहियों से 7 भारतीय नाविकों को छुड़ाया गया। सभी ने पीएम मोदी को किया धन्यवाद। किसानों से कृषि मंत्री का संवाद। पीएम किसान निधि की मदद को बताया संजीवनी। कोरोना की चौथी लहर की संभावना बहुत ही कम। देश में अब कोविड महामारी स्थानिक बीमारी को ले रही है। स्वनिधि योजना के दूसरे चरण में 126 शहर और शामिल 28 लाख स्ट्रीट वेंडर और परिवारों को मिलेगा लाभ। विशेषज्ञों ने कहा डर और भ्रम के चलते सतर्कता खुराक लेने से बच रहे लोग। अब तक मात्र 4.64 लाख लोगों ने ली डोज। अलवर में मंदिर तोड़ने को लेकर लोगों में गुस्सा निकाली गई, आक्रोश रैली। सीएम गहलोत ने बीजेपी को बताया औरंगजेब। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पेश की 2020-21 वार्षिक रिपोर्ट। सीएए नक्सली हिंसा समेत अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की संख्या पर किया खुलासा। भीषण गर्मी और बढ़ती डिमांड के बीच देश में गहराया बिजली संकट। 85 पावर प्लांट में खत्म होने वाला है कोयला। भारत की विकास गाथा का हिस्सा बने निवेशक। निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी उद्यमियों से किया आह्वान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमाम व्यवधानों के बावजूद भारत साल 2023 में दुनिया का सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश होगा। तंजावुर के मंदिर में बड़ा हादसा। जुलूस के दौरान करंट लगने से 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत। तंजावुर के मंदिर में जुलूस बना काल। सीएम ने किया 5-5 रुपए के मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी को 108 पूर्व नौकरशाहों की चिट्ठी। कहा देश में नफरत और उन्माद की राजनीति को रोकिए। बहराइच में डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग। पीडब्ल्यूडी के तारकोल डंपिंग यार्ड में लगी आग। चंदौली में शादी समारोह में ग्राम प्रधान की पिटाई। गंभीर हालत में वाराणसी ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फरुखाबाद में बस स्टेशन पर भिखारी के साथ मारपीट। पिटाई का विरोध करना अधिवक्ता को पड़ा भारी। कानपुर में नदी में डूबे 4 दोस्त। नाविकों ने 2 की बचाई जान, 2 लोग लापता।
रायबरेली में आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट, पुलिस अधीक्षक ने किया पैदल मार्च। रायबरेली में महिलाएं दिखाएंगी अपनी प्रतिभा, मिस एंड मिसेस 2022 प्रतियोगिता का आयोजन। रामपुर में रिश्वत लेते हुए लेखपाल गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर सभी को पकड़ा। उन्नाव में अपराध के बढ़ते ग्राफ पर मीटिंग लखनऊ रेंज की, आईजी ने लगाई फटकार, काम में लापरवाही बरतने पर तीन थानेदारों को फटकार। आगरा के ताजमहल में जगतगुरु की नो एंट्री, भगवा कपड़े पहनने पर नहीं मिली एंट्री। अंबेडकर नगर में भट्टा मालिक से हुई लूट के मामले में खुलासा, पांच आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, 21 अप्रैल को हुई थी भट्टा मालिक से लूट। अमेठी में महिला सपा नेता की दबंगई का वीडियो वायरल, शख्स का मकान जबरन जेसीबी से गिराने का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर देहात में छिन रहा बच्चों का बचपन, पढ़ने की उम्र में मजदूरी करते दिखे बच्चे। अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज, बोले असंवैधानिक तरीके से संपत्ति ध्वस्त करने में लगी है भाजपा। अखिलेश यादव के दूध को बेरंग लौटाने वाले आजम खान ने प्रियंका गांधी के दूध को खिलाया खजूर। बारह महीने में 24 आयोजन कराने वाले भाजपा नेता होंगे सम्मानित, कार्यक्रम महागुरु सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए 7,442 मदरसों की जांच के आदेश, शिकायतें मिलने पर लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय। योगी आदित्यनाथ के दोबारा सीएम बनने के बाद गोरखपुर को मिला 750 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव। मेडिकल की छात्रा के साथ रैगिंग, बाल पकड़कर घसीटा, जांच में जुटी पुलिस। चारबाग में बनेगा प्रीपेड ऑटो टैक्सी बूथ, मनमाने किराए पर लगेगी लगाम। लखनऊ विश्वविद्यालय में अब विद्यार्थी पूरे सेमेस्टर कर सकेंगे इंटर्नशिप, नियमों में हुआ बदलाव। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा में प्रथम वर्ष का पेपर बटा परीक्षा हुई स्थगित। उत्तर प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर बस स्टेशनों के निर्माण को लेकर पेच फंसा। लखनऊ के जिलाधिकारी का निर्देश, 30 अप्रैल तक चौराहों से हर हाल में हट जाए सभी अवैध टैक्सी स्टैंड। नोएडा में सिवान के युवक की हत्या से गांव में मातम, दोषियों को कड़ी सजा की मांग कर रहे स्वजन। नेपाल में मौत होने पर दंपत्ति का शव अलीगढ़ पहुंचा, शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का लगा तांता।
स्वदेशी कोयले से 1 रुपए यूनिट से भी ज्यादा महंगी होगी बिजली। सरकार ने निगम पर ही छोड़ा खरीद का निर्णय। विदेशी कोयला आधारित उत्पादन यूनिटों के बंद होने से बिजली संकट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जता चुके हैं नाराजगी। गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमले के मामले में आरोपित मुर्तजा से एटीएस नए सिरे से कर रही सवाल जवाब, जुटाए जा रहे साक्ष्य। आरोपित मुर्तजा अब उगलेगा साजिश का राज। मुर्तजा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में बीते दिनों यूएपीए के विभिन्न धाराओं की बढ़ोतरी की गई थी। यूपी के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बोले, हमारी विदेश नीति में भी दिखने लगा है सनातनी रंग। रुड़की में हिंदू महापंचायत पर घमासान, धारा 144 लागू, छावनी में बदला जलालपुर का। रुड़की में हिंदू महापंचायत पर रोक, भगवानपुर जाने की कोशिश कर रहे 3 संतों सहित 9 गिरफ्तार। अप्रैल तक भीषण गर्मी से राहत नहीं, हिमखंड तेजी से पिघलने के कारण हिमस्खलन की आशंका। उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल शहनवाज ने पेश की मानवता की मिसाल, रोजा तोड़ बचाई मासूम की जान। खरीद और व्यासी से उत्पादन शुरू होने के बावजूद रिकॉर्ड स्तर पर मांग, घंटों कटौती जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 14 अगस्त तक मिलेगी 10,000 से अधिक परिवारों को छत। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा, उत्तराखंड में महिला अपराध संबंधी कानूनों की विवेचकों को है पूर्ण जानकारी। महिला हेल्पलाइन पर पति और ससुराल वालों की शिकायत, बड़ी भारी, पति ने किया जानलेवा हमला। एमबीपीजी कॉलेज के रीडिंग हॉल में नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रखी गई पुस्तकें। हल्द्वानी में फ्री टैबलेट पाने वाले लाभार्थी के कई फॉर्म गलत भरे गए, नहीं आएगी खाते में राशि। कोविड के बाद कॉर्बेट पार्क में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, 10 करोड़ से अधिक की आई। अवैध खनन करने पर 2 पट्टाधारकों पर 23 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। उत्तराखंड में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से पॉस्को पर कार्यशाला आयोजित, मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत। देहरादून नगर निगम में पार्षद मीना बिष्ट की राज्य आंदोलनकारी बलिदानी पर अभद्र टिप्पणी का चौतरफा विरोध, कांग्रेस ने किया निलंबित। नौकरी से हटाए गए कर्मचारी आंदोलन पर अधिक, कोरोना काल में प्रदेश भर में रखे गए थे 2,200 से अधिक कर्मचारी। मानसिक तौर पर विक्षिप्त भारतीय मूल के मलेशियाई नागरिक को दी गई फांसी, हेरोइन के साथ हुई थी गिरफ्तारी।
म्यांमार की अदालत ने आंग सान सू की को सुनाई 5 साल की सजा, भ्रष्टाचार के मामले में ठहराया दोषी। पाकिस्तान का प्रमुख बैंक आया साइबर हमले की चपेट में, डेबिट कार्ड हैक कर की गई धोखाधड़ी। खर्च पर सऊदी अरब जाएंगे पाक पीएम शहबाज, साथ जा रहे 40 लोगों में 16 उनके रिश्तेदार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की स्वदेश वापसी की राह हुई आसान, शहबाज सरकार ने जारी किया नया पासपोर्ट। मिला पहला H3N8 बर्ड फ्लू केस, 4 वर्षीय लड़का पाया गया संक्रमित। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि जिस बच्चे में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन मिला है उसे बुखार सहित कई अन्य लक्षण मिले। बीजिंग में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच कराएगी, ड्रैगन संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रयास जारी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हुई कोविड पॉजिटिव, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने सीरिया के आतंकवादी समूहों को लेकर जताई चिंता, कहा आतंकियों का फिर से सिर उठना गंभीर विषय। मुकेश अंबानी के लिए अच्छी खबर, रिलायंस इंडस्ट्री ने पाया 19 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन, बनी पहली भारतीय फर्म। अप्रैल से ही इनकम टैक्स प्लानिंग करना है, फायदे का सौदा, टैक्स बचाने के लिए कर सकते हैं निवेश। आम्रपाली में फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी खबर, बैंकों ने प्रोजेक्टों के लिए जारी किए 280 करोड़। कोयले की कमी से जूझ रहे कई राज्य, बिजली कटौती हुई शुरू, बंगाल को नहीं हो पा रही बिजली की सप्लाई। आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगाया 1.12 करोड़ रुपए का जुर्माना, केवाईसी नियमों के उल्लंघन का मामला। आरबीआई महंगाई काबू करने को बढ़ा सकती है रेपो रेट। गौतम अडानी की कंपनी ने 77 दिनों में दिया निवेशकों को 250% का रिटर्न, मार्केट वैल्यू पहुंचा 1 लाख करोड़ रुपए के पार। पॉलिसी होल्डर को हर शेयर पर मिलेगी 60 रुपए की छूट, 2 मई से कर पाएंगे आवेदन। इंडोनेशिया से जारी रहेगा कच्चे पॉम तेल का आयात, निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी के चलते क्रूड पॉम ऑयल मिलेगा महंगा। रेलवे ने जारी की गाड़ी की लिस्ट, इंडियन रेलवेज ने लिया है ट्रैफिक ब्लॉक। बैंगलोर को हराकर राजस्थान पहुंची टॉप पर, दूसरे स्थान पर रही गुजरात की टीम। सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़कर एमएस धोनी सीएसके के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने।
शाहीन ने बताया भारत के खिलाफ यादगार स्पेल डालने से पहले शाहिद अफरीदी ने दी थी सलाह। रवि शास्त्री ने कहा भारत में मुझसे चलने वाले लोगों का ग्रुप था जो चाहते थे कि मैं विफल हो जाऊं। श्रेयस अय्यर ने दी चेतावनी कहा लय में आने के बाद केकेआर को रोकना मुश्किल होगा। आरसीबी की फ्लॉप बल्लेबाजी संजू सैमसन ने मारी बाजी और जीत लिया मैच। आर अश्विन ने रचा इतिहास टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने और तोड़ा पीयूष चावला खिलाड़ी का रिकॉर्ड। ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले ओवरसीज प्लेयर बने राशिद खान का तोड़ा रिकॉर्ड। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारतीय टीम को मिल सकती है बायो बबल से राहत। पूर्व खिलाड़ी और पंजाब रणजी टीम के मौजूदा कोच भावे ने कहा हमेशा से उम्मीद थी कि मुकेश चौधरी बड़े मैचों के लिए बना है। शाहिद कपूर की जर्सी की धीमी रफ्तार को देख राम गोपाल वर्मा ने बॉलीवुड पर दिया बड़ा बयान कहा रीमेक करने के बजाय डब करें। मेजर की नई रिलीज डेट का ऐलान 27 मई को सिनेमाघरों पर आएगी शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बायोपिक। तबियत बिगड़ने के बाद जरीन खान की मां हुई आईसीयू में भर्ती एक्ट्रेस ने फैंस से की दुआ की अपील। अजय देवगन ने खास वजह से काजोल को चुना अपना जीवन साथी कहा शादी के लिए नहीं किया था प्रपोज। केजीएफ चैप्टर 2 का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर तहलका जारी फिल्म ने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। शहनाज गिल बनेंगी कंगना रनौत के शो लॉकअप का हिस्सा मशहूर सेलिब्रिटी करण कुंद्रा का काटेंगे पत्ता। शो लॉकअप के फैमिली वीक में अंजलि अरोड़ा की मां ने बेटी को दी सलाह बेटी और कहा मुनव्वर फारूकी को दूर रहो। इंटरनेट सेंसेशन और एक्ट्रेस अवनीत कौर निर्माता राघव शर्मा को कर रही है डेट रिश्ते का किया खुलासा। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में हुई विवेक ओबेरॉय की एंट्री सीनियर ऑफिसर बन करेंगे एक्शन। साउथ सुपरस्टार धनुष मचाएंगे हॉलीवुड में धमाल डेब्यू फिल्म का फर्स्ट लुक हुआ रिवील। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस।